आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सभी को स्मरण होगा, जहां अंग्रेजों ने अपनी खायरता का परिचय देते हुए हजारों देशभक्त को मौत के घाट उतार दिया था। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण ही सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजार से अधिक लोग शहीद हो गए और हजारों की संख्या में घायल भी हुए। ये तारीख भला कौन देशभक्त भूल सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को याद होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले भी अंग्रेजों ने झारखंड के डोंबारी बुड़ू में सैकड़ों निर्दोष लोगों पर जुल्म ढाया था। जी हाँ, आज से 119 साल पहले 9 जनवरी 1899 को अंग्रेजों ने रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के अड़की ब्लॉक स्थित डोंबारी बुड़ू में निर्दोष लोगों को चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून दिया था। मुंडारी में बुड़ू का अर्थ पहाड़ होता है। भगवान बिरसा के उलगुलान का गवाह डोंबारी बुड़ू, जिला खूंटी के उलिहातू, भगवान बिरसा का जन्मस्थल के पास स्थित डोंबारी बुड़ू में भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। सभा में आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी शामिल थे। बिरसा जल जंगल जमीन बचाने के लिए लोगों में उलगुलान की बिगुल फूंक रहे थे। सभा में बड़ी संख्या में महिला और बच्चे भी मौजूद थे। अंग्रेज को बिरसा की इस सभा की खबर हुई और बिना कोई सूचना के अंग्रेज सैनिक वहां थमक गए और डोंबारी पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। जब अंग्रेजों ने बिरसा को हथियार डालने के लिए ललकारा, तो बिरसा और उनके समर्थकों ने हथियार डालने की बजाय शहीद होना उचित समझा। फिर क्या था, अंग्रेज सैनिक मुंडा लोगों पर कहर बनकर टूटे। बिरसा ने भी अंग्रेजों का जमकर सामना किया, लेकिन इस संघर्ष में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। हालांकि बिरसा मुंडा अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से निकलने में सफल रहे। इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए डोंबारी बुड़ू आज भी विकास की बाट जोत रहा है। हालांकि वहां पूर्व राज्यसभा सांसद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाज शास्त्री और आदिवासी बुद्धिजीवी व साहित्यकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने यहां एक विशाल स्तंभ का निर्माण कराया। यह स्तंभ आज भी सैकड़ों लोगों के शहादत की कहानी बयां करती है। अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की सबसे प्रमुख घटना अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष का गवाह डोंबारी बुड़ू के पास उनकी स्मृति में बनाई गई उनकी प्रतिमा और सीढ़ी नुमा चबूतरा ध्वस्त होने के कगार पर है। स्थानीय विधायक व राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के मदद से बने स्टेज की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। ज्ञात हो 9 जनवरी 1899 को इसी डोंबारी पहाड़ पर अंग्रेजों और बिरसा मुंडा के समर्थकों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। 6 शहीदों के शव मिले थे। उन शहीदों के नाम वहां बने शिलालेख पर दर्ज हैं। हर साल 9 जनवरी को उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग वहां जुटते हैं। इसके अलावा बिरसा मुंडा के शहादत दिवस 9 जून को भी हजारों लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। प्रतिमा और माल्यार्पण करने के लिए कई लोग एक साथ उस चबूतरे और सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। बगल में बनाए गए स्टेज पर भी दर्जनों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि स्टेज और सीढ़ी के साथ चबूतरे की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर छड़ से प्लास्टर झड़ रहे हैं, दीवारों पर क्रैक्स आ चुके हैं, कहीं कहीं तो पिलर से प्लास्टर ही गायब है और जो लोहे का पाइप लगा है वो भी सड़ गल रहा है। पता नहीं कौन सा ठेकेदार और इंजीनियर की मदद से यहाँ काम करवाया गया होगा कि महज 4 साल में ही बिरसा मुंडा के इस पावन स्थल की ये दुर्दशा हो गई। सरकार को तुरंत ही यहाँ की जांच करवानी चाहिए और कोई बड़ा हादसा ना हो उसके पहले ही इस जगह की ठीक से मरम्मत करवानी चाहिए।